नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है हम विल्सन को देखते हैं, जिसे एक लड़की के मर्डर के लिए थाने लाया गया था। वो पुलिस को बताता है कि उसे प्रेम किया गया है, पर पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। तब पुलिस कहती है, हमें स्टार्टिंग से सब बताओ। आज सुबह लूक एक लड़की के घर जाता है और अंदर आने पर उसे एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। विल्सन घर पर अकेला था क्योंकि उसकी वाइफ बच्चों को लेकर आउट ऑफ स्टेशन गई थी, और उस लड़की की डेड बॉडी देख विल्सन भी शॉक हो गया था। लूक ने अपने सारे फ्रेंड को कॉल किया था, पर उसके फ्रेंड फिलिप्स को कॉल नहीं लग रहा था। अब वो सोचते हैं कि इस फ्लैट की चाबी 5 फ्रेंड के पास है, और लूक अंदर आता है तो फ्लैट बाहर से लॉक था। इसका मतलब 5 में से कोई एक इस मर्डर को से कनेक्टेड है। पूछताछ के लिए पुलिस लूक को भी थाने लाई थी। पुलिस कहती है, तुम 5 फ्रेंड ने उस लड़की को हायर किया था और तुम लोगों का अफेयर पकड़ा ना जाए इसलिए ही तुमने यह फ्लैट बाय किया था। लूक कहता है, मैं अपनी शादी से खुश हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लूक बताता है, मैं मेरे फ्रेंड क्रिस के साथ था। क्रिस भी उन 5 में से एक है। कॉल करने पर क्रिस भी वहाँ पहुँच चुका था, पर फिलिप नहीं पहुँचा था, और फिलिप का ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका था। सब सोचते हैं यह सब शायद उसी ने किया होगा। कुछ देर बाद मार्निक्स भी आ जाता है। सब काफ़ी डरे हुए थे। विल्सन कहता है, हम फ्रेंड हैं और साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पार्टी में 5 दोस्त मजे कर रहे होते हैं। अब पार्टी में फिलिप्स 2 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। विल्सन उसके पास आकर कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिलिप कहता है, लड़कियां अब भी मुझे पसंद करती हैं। अब विल्सन सभी को एक फ्लैट में ले आता है और कहता है कि अगर हमें अफेयर करना है तो इस फ्लैट में लड़की को ला सकते हैं और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। मर्डर के लोकेशन पर सबको एक चाकू भी मिलता है। तभी वहाँ फिलिप भी आ जाता है और उस पर सब झपट पड़ते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने ही ये किया है। वह बताता है, रात भर मैं अपने इन-लॉ के साथ था और मॉर्निंग में वो कंस्ट्रक्शन साइट देखने गया था। अब मर्डर की जगह विल्सन सबसे अपनी की निकालने को कहता है, पर क्रिस के पास की नहीं होती है। वह कहता है, मैं हमेशा अपनी की लेकर नहीं घूमता। अब पास्ट में सारे फ्रेंड अपने वाइफ के साथ डिनर कर रहे थे। अब कुछ देर बातें करने के बाद लूक की वाइफ लूक से कहती है, तुम किसी और से अफेयर करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लूक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। अब प्रेजेंट में विलियम कहता है कि शायद हमारे अफेयर के बारे में किसी को पता चल गया होगा, या फिर लड़की का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। अगर किसी के साथ कोई भी ट्रबल हुआ है तो उसे अभी बता देना चाहिए। अब क्रिस को एन की याद आती है, वह उससे ज़्यादा क्लोज हो गया था और उसने उसे इस बारे में बता दिया था। नेक्स्ट सीन में मार्लिस की पूछताछ हो रही है। पुलिस कहती है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिवोर्स देने वाली, क्योंकि तुम्हारा अफेयर चल रहा था। क्या तुम लड़कियों को उसी फ्लैट में ले जाते थे। मार्निक्स कहता है, फ्लैट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब अगले सीन में एक पार्टी में विलियम्स को एक लड़की सारा के साथ देखते हैं। दोनों पूल में चले जाते हैं और पूल में लूक को भी बुलाते हैं, पर तभी विल्सन उसे जाने को कहता है। इसके बाद दोनों पूल में इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम जानते हैं सारा और विलियम का अफेयर आगे भी चल रहा होता है। सारा उससे प्यार करने लगी थी, पर विल्सन उसे छोड़कर चला जाता है। जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी ये सारा ही थी। अब विल्सन सबको कुछ बताने ही वाला था कि एक कॉल आता है कि किसी ने फ्लैट बेचने के लिए लिस्टेड कर दिया था। अब वो सोचते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। विल्सन सबको बता देता है, वह इस लड़की को पहचानता है। वह कहता है, कल रात मैं इसके साथ तो था, पर मैं चला गया था और ये सब मैंने नहीं किया। अब विल्सन एक ड्रिंक पीता है और बेहोश हो जाता है, और हमें पता चलता है कि बाकी 4 फ्रेंड मिलकर मर्डर वाली जगह पर विल्सन को प्रेम कर रहे थे। असल में मॉर्निंग में लूक ने विल्सन को छोड़ सारे फ्रेंड को बुलाया था और उसने CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग सारे फ्रेंड को दिखाया, जिससे पता चलता है कि विल्सन मॉर्निंग की वाइफ को समझाने गया था तो वो उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था। फिलिप्स की सिस्टर के साथ भी उसका अफेयर था। लूक बताता है, इस फ्लैट को बाय करने के लिए एन को पैसे विल्सन ने ही दिए थे। ये सब पता चलने पर सब काफ़ी गुस्सा हो गए थे। इसके बाद उन्होंने विल्सन को सारा के साथ फ्रेम करके पुलिस को कॉल कर दिया था। अब अगले सीन में क्रिस लूक से पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया। लूक कहता है, पहले सारा मुझ में इंटरेस्टेड थी, पर विल्सन ने उसे मुझसे छीन लिया। लूक ने सारा को बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर सारा ने उसकी बात नहीं मानी। कल रात विल्सन के जाने के बाद लूक वहां गया और सारा के वाइन में स्लीपिंग पिन मिला दिया था, और सारा का हैंड कट करने का काम फिलिप्स ने किया था। लूक कहता है, इसके बारे में हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा ब्रदर जेल चला जाएगा। असल में क्रिस और फिलिप दोनों ब्रदर हैं। क्रिस कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और क्रिस चाकू उठा लेता है। अब लूक को लगता है कि वह बच नहीं पाएगा, इसलिए वो कूद कर सुसाइड कर लेता है।
अब कुछ समय बाद विल्सन को पुलिस ने छोड़ दिया था। मॉर्निक्स को भी उसकी वाइफ ने माफ कर दिया था। इधर क्रिस पार्किंग लॉट में आता है तो एना कहती है कि मैंने अब सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, और क्रिस से कहती है क्या हम काफ़ी के लिए चल सकते हैं। अब वे दोनों फिर से साथ साथ हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।